गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं ग्रीस पालीवाल, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश क्लासेस बाई ग्रीस पालीवाल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज हम यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो यहां पे कुछ लिटरेरी टर्म्स होंगे या कहें कि वोकेबुलरी पोर्शन पे हम यहां पे ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है यहां पे हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ विजडम, विजडम का सिनोनिम क्या होता है। फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमत्ता से, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैगेसिटी है। सैगेसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्ड याद करने में कठिनाई होती है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता से है, बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, साग, यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, साग यानी कि सब्जी, वेजिटेबल यानी कि बोल सकते हैं जो व्यक्ति साग खाता है यानी कि सब्जी खाता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, विजडम। तो यहाँ पे सैगेसिटी कहीं पे भी वर्ड आपको मिलता है तो उसका मतलब बुद्धिमत्ता से होगा, विजडम से होगा। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे और ऑप्शन है, स्वेल मिस फ्रेंड्स, सूजन वगैरह बोलते हैं, फुलिसनेस मूर्खता, और सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सैगेसिटी हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, बरूक क्या है करके, व्हाट इज़ बरूक, बरूक क्या है फ्रेंड्स, जेल है, कल्चर है, स्टाइल है या बुक है, तो आंसर इसका हो जाएगा स्टाइल है। ये क्या, कैसी स्टाइल होती है फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर यानी कि आर्किटेक्चर लोग जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, कहने का मतलब है जो आर्किटेक्ट होते हैं, ARCHITECT, जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं उनकी जो अपनी स्टाइल होती है फ्रेंड्स उसे क्या बोला जाता है, बरूक बोला जाता है। तो बरूक स्टाइल के लिए फेमस हैं एक फ्रेंड्स, आप जानते होंगे इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन, अपने नाम सुना होगा, तो वो उनकी जो स्टाइल है उसको बरूक नाम से ही जाना जाता है, उनकी ग्रैंड स्टाइल जो थी वो बरूक नाम से फेमस है, किसकी, जॉन मिल्टन की जो अपनी स्टाइल थी उसको बरूक ही बोला जाता है फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवांतगार्दे, अवांतगार्दे की जो मीनिंग है इस एक्सप्रेशन की, रूड एक्सप्रेशन, रिडिकुलस, ट्रेजिक और इनोवेटिव। तो फ्रेंड्स, जो अवांतगार्दे है इसको दूसरी भाषा में बोलें तो मॉडर्न, इसका मतलब होता है मॉडर्न। तो मॉडर्न क्या होगा, जो भी आधुनिक कोई भी चीज़ कैसे होगी, जब वो इनोवेटिव होगी, इनोवेटिव जब कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी, अवांतगार्दे कहलाया जाएगा उसको, कहा जाएगा। तो मॉडर्न से मतलब है, अवांतगार्दे का मतलब मॉडर्न से है, मॉडर्न का मतलब इनोवेटिव, इनोवेटिव क्या होगी, कोई भी चीज़ जो नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है जो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, द सिनोनिम फॉर बोनाफाइड, बोनाफाइड का सिनोनिम क्या होता है। तो ऑनरेबल दिया है हमें, जेन्युइन दे रखा है, वेल मेड, रिम्यूनरेटिव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेन्युइन है। बोनाफाइड का मतलब होता है रियल, रियल होगा जो भी वास्तविक होगा, जेन्युइन यानी कि असली से मतलब है, बोनाफाइड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो जेन्युइन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, व्हाट इज यूफोनी, यूफोनी फ्रेंड्स इस वर्ड को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, तो साउंड और यूफोनी, ई से हम ऐसे बोल सकते हैं इसको अगर याद करना है हमें, तो इंजॉयबल, इंजॉयबल, जिस साउंड को हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं कहने का मतलब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजेंट साउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ईयरफोनी है इसका जो करेक्ट, व्हाट इज ईयरफोनी बोल रहे हैं, ईयरफोनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस, इन्हें हम बोल सकते हैं लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में बोले तो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।